ਤਰਨੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜੇ ਸਭ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹਾ ਥਾ ਇਵਨ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇ ਵੀ ਥੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ मैं भी ये कभी मेरे को बिल्कुल महसूस होती है कि अगर उनके होते हुए मैंने किया होता तो चीज़ें कुछ और ही होती। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रही है सारे दर्शकों का मैं जसवीर कौर स्वागत करती हाँ। सो अज तुसी मेरे पिछे वेख सकते हो दैट इज़ मरहूम गायक की जिहड़ी तस्वीर हैगियां सामने ने एंड जो ये पोर्ट्रेट्स बनाए गए ने तो ये बनाए गए ने पीयूष जी दे वल्लों। सो अज मेरे नाल ने मैं तुहानू दसदा कि जो सिद्धू मूसेवाले का जो पहला जन्मदिन सी तो उत्थे गए सी ये पेंटिंग्स लैके ये पोर्ट्रेट्स लैके उन्हां दे मापिया का आशीर्वाद भी लिया सी ते अज इन्हां ने डिस्प्ले किए हुए हैं। सो पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। अज मैं पूछूंगी थोड़ा मोटिव की है अज इतने चंडीगढ़ आए हो तुम सिद्धू मूसेवाला के पोर्ट्रेट्स लैके। सो अज मोटिव की है थोड़ा इतने जी? मैं पंचकूला में यहीं पे रहता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ और ये हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, इस आर्ट वर्क को वेबसाइट पे डाला हुआ है और हमारी इंटेंशन ये है कि हम लोग इसकी अलग अलग जगहों पर देश की अलग अलग जगहों पर इसको एग्जिबिट करें फॉर पीपल कि लोग आए लोग देखें, ये हमारी इंटेंशन है क्लियर और उसी के लिए हमने आज ये सब किया, इसे लॉन्च किया। सो कि इस बारे सिद्धू के अगर मापिया की गल करा तो उन्होंने जानकारी हैगी कि तुसी आज ये सब लगाया उन्होंने परमिशन तो लगाया? जी 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 जी, मैंने उनसे बकायदा परमिशन लेके कि जी मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ अपने उस पर, तो उनकी परमिशन के साथ ही हमने ये लगाया। सो अगर मैं स्टेफ लंडन की गल करा उन्होंने तो इस पोर्ट्रेट की तारीफ भी की थी, सो उदो कहो जहाँ महसूस होया सी एंड अगर मैं इस पोर्ट्रेट की गल करा तो कितना टाइम लग गया थानू इसनू बनाते? एवरीबडी एप्रीशिएट, कोई दूसरा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट आपके काम को अप्रिशिएट करे, सो दैट वॉज द सेम फीलिंग जो मुझे उस टाइम आई, उस टाइम लगी, लोगों ने देखा, लोगों ने मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करा एंड आई थिंक मुझे लगा कि भाई उस टाइम मुझे फील हुआ कि हाँ जो मेहनत की है वो भाई जी। सो अगर मैं सिद्धू के गाने की गल करा, अगर एज ए आर्टिस्ट उन्होंने गल करा, सो उन्होंने गाने कि सुनते सी पहला भी तो हूँ भी? उनके गाने मैं पहले भी सुन रहा था, तो उनकी डेथ से पहले भी सुन रहा था इवन मैंने एक थोड़ा सा काम पहले मैं कुछ था कुछ चीज़ें भी थी जो मैं इनसे कनेक्ट करना चाहता था अबाउट माई वर्क, पर वो जो हुआ उस उनकी डेथ के टाइम डेथ हुई तो वो सब चीज़ें रुक गई, तो आई हैड दिस थिंग उनको ट्रिब्यूट देने के लिए तो फिर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया उस टाइम पर। मैं ट्रिब्यूट की गल करा तो बहुत से लोग इदा के ने जिन्होंने सिद्धू नू वखरे वखरे तरीके दे नाल ट्रिब्यूट किया, पेंटिंग एक जरिया क्यों बना? तुहानू शौक सी इस चीज़ का? मेरा काम है, मतलब आप ओबियसली जिस चीज़ में अच्छे हो गए वही आप डिलीवर कर सकते हो एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गुड एट। सो सिद्धू के कि गाने ने जो तुहानू सब तो ज़्यादा दिल के करीब ने एंड आफ्टर उन्होंने जान तो बाद एक कमी महसूस होंगी तुहानू कि शायद अगर वो तुहाडा आर्टवर्क देखते शायद तो तुहाडा आर्टवर्क पूरा हो जाता? जी मैम, ये कमी मेरे को बिल्कुल महसूस होती है कि अगर उनके होते हुए मैंने किया होता तो चीज़ें कुछ और ही होती। और गानों की बात आती है 295, द लास्ट राइड लेवल्स और जो अभी जो रीसेंट टाइम पे पिछले एक साल के अंदर उनके गाने आए थे, उनके डेथ से पहले आए थे, वो गाने थे जिनसे बहुत कनेक्शन मुझे ही नहीं मेरे ख्याल से दुनिया को फील होता है, नहीं मैं कोई अलग तो हूँ नहीं पर। सो इसी मेरे नाल पीयूष जी, तुसी देख सकते हो उन्होंने जो पोर्ट्रेट्स बनाए ने सिद्धू दे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं एंड इन्हों का जो मकसद है पोर्ट्रेट करन दा इसकी लेजेंड्स नेवर डाय एंड सिद्धू दे जान तो बाद भी वह सब के दिलों के धड़कते हैं जिंदा ने तो ये ही वह कायम करना चाहते हैं एंड पूरे वर्ल्ड के जोड़े पोर्ट्रेट्स है जो इन्होंने बनाए ने अपने आर्टवर्क के थ्रू उन्होंने जिंदा रखना चाहते हैं। सो उम्मीद करें तो इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा एंड जो पेंटिंग्स ने जी पोर्ट्रेट्स बनाइया ने वो भी पसंद आई होनी। कैमरा परसन जशन के नाल मैं जसवीर कौर, डेली पोस्ट पंजाबी।